हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या एंड आज की हमारी रीडिंग, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वो है कि आपके पार्टनर की, आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं एंड गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। साथ ही हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे और अगर कमिटमेंट देंगे तो कब तक देंगे। तो काफ़ी डिटेल्ड ये लव रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, आज की हमारी रीडिंग ऑलरेडी प्री शफल्ड कार्ड्स हैं एंड पाइल्स इस तरीके से हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 and 31, तो आपको पाइल 1 को सिलेक्ट करना है। एंड पाइल नंबर 2 उनका है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 and 30। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करा है, मैं पाइल नंबर 2 को साइड रख देती हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करा है, पहले देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, तो उसके लिए मेरे पास कार्ड्स आए हैं हीलर ऑफ द एजेस, कम्युनिटी, थिंकिंग विमेन। आई होप गाइज आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। ओके, मैं ना ये पाइल ऐसे रख देती हूँ। देन वी हैव दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो एनर्जी कुछ इस तरीके की है। ओके, दो टाइप की एनर्जीज आ रही हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। पहला सिनेरियो ये है कि आप लोगों के बीच में किसी टाइप का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, प्रोफेशन या इकोनॉमिक स्टेटस का फ़र्क हो सकता है। आपके पर्सन आपको मिला जुला रिप्लाई करते होंगे, आपसे पूछते होंगे वेदर दे लव यू और नॉट, एंड फिर जब आप पूछते हैं तो वो कहानी गोलमोल कर देते हैं एंड चीज़ें सारी आपके ऊपर डाल देते हैं। कुछ ऐसा सा सिनेरियो देख पा रही हूँ मैं। एंड यस, वो आपको पसंद करते हैं बहुत, लेकिन साथ ही मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसी सी सिचुएशन है कि कोई तो अपना प्यार ऑफर करने को तैयार है लेकिन सामने वाला सोच रहा है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। वजह ये हो सकती है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जैसे कि मैंने बोला सोसाइटी क्या सोचेगी, कम्युनिटी क्या सोचेगी, ऐसा सा सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली आप दोनों का या आप दोनों में से किसी एक का पास्ट भी कुछ ऐसा सा हो सकता है जहाँ से अभी हील हुए हो, या तो आप या जिनको आप पसंद करते हैं वो। ओके, ये बहुत मैं ये इंसान गाइस, एक तो ये सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, अगर आप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो एक बैलेंस नहीं बन पा रहा, जिसके चलते आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए ना, आप सोच ही जा रहे हो और वो चीज़ इफेक्ट कर रही है आपकी हेल्थ को। ओके, तो जो गाइस अगर मैं एनर्जी देखूं, ये काफ़ी फ्रेश एनर्जी है। अगर मैं सिनेरियो 1 के हिसाब से बताऊं तो ये कोई फ्रेश एनर्जी है, भले ही वो इंसान हो सकता है आपके पास से ही हो जो वापस आए हैं एंड नाउ वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी टाइप के कुछ डाउट्स आ रहे हैं उनके मन में या आपके मन में। चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या सोचते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल मेरे को उम्मीद थी यही कार्ड आने की। थ्री ऑफ कप्स, हैरोफेंट, थ्री ऑफ वॉन्स, डेथ। ओके गाइज, अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग जस्ट एज फ्रेंड्स रह रहे हैं तो वो आपको डेट करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड है। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। ओके, अगर ये पास्ट का कोई पर्सन है तो वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में कुछ शुरुआत हो, एक लेवल अप हो। अगर आप डेट कर रहे हैं तो वो चाहते हैं शादी करना, क्योंकि हैरोफेंट शादी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट उसके लिए ये प्लानिंग और फोकस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए ताकि ये आपकी तरफ आए।
रीज़न ये है, प्लानिंग और फोकस इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, प्रोफेशन या इकोनॉमिक स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, जिसके चलते टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि बैलेंस करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है एंड उसी चीज़ पे काम करते हुए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक आपको बेसिकली कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, ये देख पा रही हूँ 333 3311 11 आपको काफ़ी दिखने वाला है आने वाले वक्त में, पाइल नंबर वन। चलिए देखते हैं पहले कि क्या आपके पर्सन आपको, जबकि मैं देख चुकी हूँ कि कमिटमेंट देंगे, बट मैं फिर भी कंफर्म करूँगी। ओके, मदर यूनिवर्स, क्या पाइल नंबर वन के पर्सन उनको कमिटमेंट देंगे? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मैं एक कार्ड और लूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, कमिटमेंट तो ये आपको देंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। आप जानते ही हैं मेरे को शुगर कोट करना नहीं आता, तो गाइस यस, थोड़ा इंतजार है बट कमिटमेंट मिल जाएगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, चलिए देखते हैं कब तक कमिटमेंट देंगे आपको। पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। तो हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। ओके, मेरे को यहाँ वैसी वाइब्स नहीं आई कि मैं बोलूँ कार्मिक है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। कमिटमेंट गाइज ये आपको देंगे विद इन 6 मंथ्स या 9 मंथ्स। ओके, यूँ कहूँ तो जून का महीना या इस साल सितंबर। अगर जून या सितंबर नहीं हुआ, क्योंकि ये सब लोग रीडिंग देख रहे हैं तो सबके अकॉर्डिंग सबकी एनर्जीज आती हैं, तो कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर तक ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, मतलब मैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। अदरवाइज जून का महीना एंड सेप्टेम्बर। ओके, चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आई है आपके इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो अगर आपको ये परेशानी है कि ये चाहते क्या हैं एग्जैक्टली आपसे, क्योंकि आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, एक तरफ पूछते हैं कि आप इन्हें पसंद करते हो एंड दूसरी तरफ ये आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, तो अगर ऐसी कोई एनर्जी में हो आप, तो आपको बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं कि मेडिटेट करो एंड डोंट ओवर थिंक इस सिचुएशन से रिलेटेड। एंजल्स पे सरेंडर कर दो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली चाहते क्या है आपसे, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि सामने जाओ, मेक द फर्स्ट मूव एंड उनसे बहुत क्लियर कट कन्वर्सेशन करो कि वॉट ही और शी वॉन्ट्स, कि वो क्या चाहते हैं आपसे। ओके, सो पाइल नंबर वन, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड गाइज, अगर आपको किसी भी टाइप की पर्सनल रीडिंग लेनी है तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशनड है। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, तब भी आप मेरे को या तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हैं। मैं सबके मैसेजेस का और कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल घबराए ना कि हमने कर दिया तो रिप्लाई कब तक आएगा। ओके, सो चलिए, सी यू गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्स, ओम साई राम। जिन्होंने भी गाइस पाइल नंबर 2 को चुना है,
जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 and 30. चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, साथ ही हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है इस कनेक्शन में, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे और कमिटमेंट देंगे तो कब तक देंगे. ओके, सो ये पाइल मैं इधर रख देती हूँ. पहले देखूंगी मैं आपके कनेक्शन की एनर्जीज क्या है. ओके, तो उसके लिए मेरे पास कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फिफ्थ चक्रा, एंजाइटी, ब्रोकन हार्ट. भले ये रिवर्स में आए हैं बट मैं एनर्जीज को देखते हुए इसको अपराइट ही लूंगी. ओके ओके, पाइल नंबर टू, किसी टाइप की एंडिंग होने वाली है या आप कुछ एंड करने का सोच रहे हैं. हो सकता है कि आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में ये आ रहा हो कि ब्रेकअप कर लिया जाए. अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपके पर्सन या तो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से अपने आप को छुड़ा दिया जाए. एंड अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो मुझे सॉरी टू से बट यहाँ चांसेस आप लोगों के रिलेशनशिप के ब्रेकअप के ज़्यादा लग रहे हैं. बहुत हिम्मत लगेगी उनको ये सब करने में क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल जो कि ये बता रहा है कि कुछ बात है जो उन्होंने आपसे छुपाई है एंड ये अभी आपको रिवील नहीं करना चाहते जिसके चलते इन्होंने ये डिसाइड करा कि अब ये ब्रेकअप करेंगे आपसे. आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं वो आपको क्लियरली नहीं बता पा रहे, एक मास्क सा पहना हुआ है. एंड यस, वो इसलिए है क्योंकि इनका फिफ्थ चक्रा जो कि हमारा हम कहते हैं थ्रोट चक्रा वो ब्लॉक्ड है. ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं. नाइन ऑफ वॉन्स, द टावर, टू ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सी ब्रोकन हार्ट एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्स. यस गाइज, एक्चुअली पता है बात क्या है, आपके पर्सन में ना हिम्मत नहीं है. ओके, आई एम सॉरी, आपको शायद सुनने में बुरा लग रहा हो बट ये बात सच है. आपके पर्सन में बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं है कि ये सोसाइटी का सामना कर सकें. यहाँ पे कुछ कार्मिक, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपके कार्मिक हैं. ओके, इन्होंने कभी आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं दी. अब वो क्लैरिटी कैसे, कि अगर आपने इनसे कभी पूछा हो कि शादी कब तक करोगे एंड ऑल दैट, तो इन्होंने इस चीज़ को गोलमोल कर दिया हो या कोई टॉपिक बदल देते हो कुछ ना कुछ, या तो आपसे बात करना बंद कर देते हो. एंड मेरे व्यूअर्स जो कि बहुत शरीफ हैं, नहीं चाहते कि, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत भोले हैं, बहुत प्यार करते हैं एंड दे डोंट वॉन्ट टू लूज दिस पर्सन. वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब देनी होगी देंगे कमिटमेंट, मैं इस वजह से अपना रिलेशनशिप इनके साथ क्यों खराब करूं, जिसके चलते काफ़ी टाइम बीत चुका है. बट यहाँ पे आपके पर्सन के साथ क्या है गाइज, ये एक्शन नहीं लेना चाहते. बहुत क्लियर कट फॉर्म में बोलूं, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, बट इनके साथ ये है कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों को कैसे, मतलब सोसाइटी से कैसे लड़ूंगा या लोगों को कन्विंस या फैमिली को कन्विंस कैसे करूंगा या करूंगी, वो वाली हिम्मत यहाँ नहीं है आपके पर्सन में. ओके, मैं फिर भी देखूंगी कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट कब तक. सी मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी जस्ट मैं पिक करी थी और स्ट्रेंथ का कार्ड दोबारा आ गया. ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी जिनसे आप डील कर रहे हैं वो किसी टाइप के हीलर हो सकते हैं, नर्स, डॉक्टर, टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर. बट या तो आप हैं या आपके पर्सन हैं. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं आप ही हैं किसी टाइप के हीलर या टैरो रीडर. अगर ऐसा है तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में. चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे. गाइज, जैसा सिनेरियो था मैंने हूबहू बिल्कुल वैसे ही बताया है. आई एम सॉरी, मुझे भी करते हुए रीडिंग बुरा लग रहा है बट आप जानते हैं मैं शुगर कोट नहीं करती, क्योंकि आज मैं आपको शुगर कोट करके बताऊंगी फिर आप ही होंगे कमेंट सेक्शन में बोलने वाले कि दीदी ये तो चीज़ रेजोनेट ही नहीं हुई. एंड यू कांट चीट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, राइट? वो तो हमें 24 घंटे देख रहे हैं ना.
चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है उनके पर्सन उनको कमिटमेंट देंगे। कार्ड्स हमारे पास आए हैं 10 of Pentacles, डेविल, मदर यूनिवर्स के आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, मदर यूनिवर्स के आप फाइल नंबर 2 के पर्सन उनको कमिटमेंट देंगे। गाइस इतने सारे कार्ड्स में नहीं लूंगी, अगर इनको आना होगा तो दोबारा आ जाएंगे। सी अगेन 4 of Pentacles, यहाँ 5th चक्र आया था, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे गाइस। मैं लास्ट कार्ड लूंगी एंड देन आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। बात सारी ये है कि ये आपको एक बहुत ही अबंडेंट और स्ट्रांग एनर्जी में देख रहे हैं एंड ये अपने आप को वो थोड़ा होता है ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अपने आप को वो आपको अपने से कम मानते हैं, सॉरी वो आपको बहुत ऊंचे स्तर पे देखते हैं ना, आप अपने आप को बहुत कम स्तर पे देखते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए। ये बेसिकली आपके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं जिसके चलते इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है इनको। आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हो आप, एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। शादी देखो 6 of Swords, आपसे शादी भी करना चाहते हैं बट हिम्मत नहीं है लोगों से लड़ने की। एक चीज़ और गाइज मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन आपको ये बोलें कि कमिटमेंट आपको मिल जाएगी बट थोड़ा सा अभी अगर ये आपको फिजिकल होने को बोलते हैं शादी करने से पहले, तो ये एक तरीके का मैसेज है आप लोगों के लिए, मत होना, मत फिजिकल मत होना और ऑनेस्टली बताऊँ मुश्किल है इनका कमिटमेंट देना शादी के लिए, बट फिर भी क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है मैं आपको बोलूँगी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप लोग पॉजिटिव रह के। ओके अगर ये कमिटमेंट देंगे तो आपको कब तक देंगे ये मैं देख लेती हूँ, टाइम तो वैसे दिख गया है मेरे को बट मैं फिर भी देखना चाहूँगी। Swords, 5 of Swords, अगेन 5 of Swords आ गया, Ace of Wands, बॉटम ऑफ द डेक Knight of Cups। गाइज काफी टाइम लगेगा, नाइट ऑफ कप्स आया है, इनका आना जाना लगा रहेगा आपकी लाइफ में बट जो एक होता है ना कि सॉलिड कमिटमेंट दे दे तो आपका 1 से 2 साल लग सकते हैं। ओके सो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको इस सिनेरियो से रिलेटेड क्या गाइडेंस देने वाले हैं। तो उसके लिए कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन। सी एंजल्स ने भी बोल दिया आप गाइज मैनिफेस्ट कर लो। ओके क्योंकि यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड भी आया है तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी सिचुएशन से रिलेटेड आप सरेंडर कर दो एंजल्स को। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अगर आपके कोई आपका, मैं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल की यहाँ पे बात नहीं कर रही क्योंकि आई फील द एनर्जीज एंड यहाँ पे अचीविंग योर गोल ये है कि अगर आपका कोई करियर रिलेटेड या मनी वाइज कोई गोल है तो जस्ट बिकॉज कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही आप हो सकता है कि अपनी एनर्जी ड्रेन कर दें इस चीज़ में, इस सिनेरियो में। तो आपको बोला जा रहा है ऐसा मत करना क्योंकि जो आपका गोल है अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ वो अचीव होने वाला है, आप उसके बहुत करीब हैं। What do you need to release? तो आपको एक चीज़ और पहचाननी है, एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप किसी टाइप की एडिक्शन या नेगेटिव पैटर्न में हो तो उसको पहचानो एंड उसको रिलीज आउट करो। ओके ये भी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है एंड अगर आप हीलिंग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तभी भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दूंगी। ओके सो टेक वेरी गुड केयर।
केयर ऑफ योर सेल्स गाइज. ओम साई राम.